स्वागत करता हूँ एक नई टेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, पोको SE3 को इंडिया में एक न्यू स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है फाइनली। तो दोस्तों, इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले इस अपडेट का वर्जन की बात कर देता हूँ, पहले तो MIUI 12.0.15.0 के ऊपर ये अपडेट रोल आउट हुआ है और ये 110 बेस्ड अपडेट है। और इस अपडेट का साइज की बात करें तो 218 MB का इस अपडेट का साइज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस आप कर रहे होंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टेबल लिखना चाहिए था कि नाइट अपडेट नाइटली लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर लिख रहा है क्या? क्योंकि ये पर्टिकुलर डिवाइस के लिए अपडेट आया है, जो सिलेक्टेड डिवाइस होते हैं मी पायलट टेस्टर का, वही डिवाइस पर ये अपडेट रोल आउट हुआ है। तो आपको कुछ ही दिनों में अपडेट देखने को मिल जाएगा। अभी सिर्फ पायलट टेस्टर के लिए अपडेट रोल आउट किया गया है, तो आपको धीरे धीरे अपडेट पब्लिकली कर दिया जाएगा। जब भी इस अपडेट में कोई बग देखने को नहीं मिलेगा डेवलपरों को, तो ये अपडेट आपको पब्लिकली देखने को मिल जाएगा। तो आप पायलट टेस्टर के लिए अप्लाई किए थे, तो कोई आपको ये अपडेट जरूर दिखने को मिल गया होगा। तो अपना अपडेटर में जाकर चेक कर लो ये अपडेट आपको मिला या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पर्टिकुलर लिखा है यहाँ पर भी। तो इसका चेंज लॉग के बारे में बात करें, तो इसका चेंज लॉग में लिखा है कि ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फीचर्स के बारे में ठीक ठाक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो इस अपडेट को करने के बाद पता चलेगा ये अपडेट में क्या क्या नया फीचर्स आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट गया होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने के लिए धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।